हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 18। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, प्यास कैसे बुझाएं। ये आंध्र प्रदेश की बात है। सुगुणा किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेलवा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। सुगुणा के घर पर कोई मेहमान आए थे और वो मेहमान घर पे आते हैं तो उनके पापा सेलवा से कहते हैं कि मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक मैं तो नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, देखने में भी साफ नहीं है और यह पानी ना पीने योग्य है। हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। यहाँ पर देखिए, पानी के बारे में हमें चर्चा यहाँ पे करना है। यदि गंदा पानी पीने से शरीर में क्या नुकसान हो सकता है, यानी कि पानी गंदा पीने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, और क्या कभी तुम्हारे इलाके में पानी गंदा आया है, क्या कारण था, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ ना होने के कारण कोई बीमार हुआ है, चर्चा करो। आपको यहाँ पर ऐसा करना है कि अगर आपके सोसाइटी में या गांव में साफ पानी ना आया हो तो क्या करते हैं। चौथा, सुगुणा की बस्ती में लोगों के पीने के लिए साफ पानी नहीं था, इसलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया गया। तुम क्या सोचते हो, सुगुणा के परिवार वाले रोज पीने के लिए क्या करते होंगे। आगे देखते हैं, मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। क्योंकि पानी गंदा था और वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया। पानी के खेल। बाजार गांव, महाराष्ट्र बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं और वहाँ देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछे देखा, झूम 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 बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहां खाली बाल्टियां और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उसे भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ। वह औरत तमतमा कर बोली, बाई
तुम कहती पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया। और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेलने के लिए है, बोलो हम क्या करें? अभी यहाँ हम देखेंगे, पढ़ो और लिखो। क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है? कब? यानी कि जब आपके घर में नल नहीं आता है, पानी नहीं आता है, तब हमारे घर में पानी की कमी होती है। तब तुमने क्या किया? यानी जब पानी नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे के यहाँ से पानी भरने जाते हैं, या फिर टैंकर वाला आता है, टैंकर से पानी भरते हैं। आगे देखते हैं, क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? अगर आप कहीं पानी में खेले हो तो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि कोई बारिश में खेला है, तो कोई वाटर पार्क में जाके खेला है, आपको यहाँ पे लिखना है। क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने से मना किया गया जाता है, और क्यों? आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे किसी को मना किया गया होगा, तो क्यों मना किया गया है, आपको यहाँ पे लिखना है। अपने पड़ोस में क्या आपने पानी को बेकार बहते देखा है? चर्चा करो। यदि आपके सोसाइटी में या फिर अगल बगल में पानी फालतू बह रहा हो तो आपने देखा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव के लोगों के पीने के लिए पानी नहीं था। सोचो ऐसा क्यों? तो हम यहाँ, अगर तुम कभी वाटर पार्क में जाओ तो पता करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है।